क्या हुआ जब राम लला के सूर्य तिलक के दौरान प्रकट हो गई वानर सेना। इस चमत्कार को देखकर वहां सभी पंडितों के साथ सभी भक्तों के भी होश उड़ गए। इसे प्रभु श्री राम का बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि साक्षात हनुमान जी महाराज रामला के दर्शन करने आए थे। लेकिन क्या है इस कहानी के पीछे पूरी सच्चाई, आई आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। जानकर आपको भी अपने सनातनी होने पर बड़ा गर्व होगा। सबसे पहले सच्चे राम भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, राम मंदिर का भव्य निर्माण हो चुका है और राम मंदिर अयोध्या पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति और सनातन परम्परा का वाहन बनकर सामने आ रहा है। भगवान राम का मंदिर बनने और राम लल्ला के विराजमान होने के साथ ही हिंदुत्व को भी एक बल मिला है। ऐसा भी कह सकते हैं कि सनातन में विश्वास रखने वालों के लिए राम मंदिर स्रोत का कार्य करने वाला है। यह तो रही धमकी बाद, अब बात आठ विज्ञान की कर लेते हैं। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर विज्ञान का भी एक अद्भुत उदाहरण बनने जा रहा है, जिसमें स्वयं सूर्य देव को भगवान रामलला का माथा चुनने का अवसर मिलेगा। आखिर राम लल्ला का सूर्य अभिषेक किस प्रकार से किया गया? हिंदू धर्म में भगवान सूर्य देव को ऊर्जा का स्रोत और ग्रहों का राजा माना गया है। जब भगवान सूर्य देव की किरण भगवान का अभिषेक करती है तो इससे आराधना में और देवता का भाव जागृत होता है। इस विधि को सूर्य अभिषेक कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है जब अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था तो भगवान सूर्य इतने ज्यादा प्रसन्न हो गए थे कि वह अपनी नियमित चाल छोड़कर अयोध्या में आ बसे थे और तकरीबन एक महीने तक अयोध्या में रहे थे, जिसके कारण अयोध्या में एक महीने तक रात नहीं हुई थी, क्योंकि भगवान राम सूर्य देव वंश के थे जिन्हें सूर्यवंशी कहा जाता है। इसी कारण से भगवान सूर्य का तिलक अकेला सभी रघुवंशी लगाते हैं और इसी प्रकार से राम नवमी के शुभ अवसर पर रामलला का भी सूर्य तिलक हुआ। सूर्य तिलक तंत्र पूरी तरह से वैज्ञानिक उपकरण है। इसमें एक गियरबॉक्स, परावर्तक दर्पण और लेंस की व्यवस्था की गई है। इससे मंदिर के तीसरे तल से सूर्य की किरणों को गर्भगृह में लाया जाएगा। सूर्य के पथ पर नजर रखने के लिए ऑप्टिकल लेंस और पीतल के ट्यूब का निर्माण किया गया है। इन उपकरणों की मदद से ही सूर्य की किरण को रामनवमी के दिन राम लल्ला के मस्तक पर भेजने का काम किया गया। सूर्य देव की किरण ने राम लल्ला के ललाट पर उतरकर का उनका अभिषेक किया। सूर्य तिलक तंत्र को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हर साल सिर्फ रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे लगभग 6 मिनट तक सूर्य की किरण ने रामलला के विग्रह के मस्तक पर पड़ेंगे और जब 17 अप्रैल 2024 को दिन में 12:06 पर राम नवमी के दिन जैसे ही इस सूर्य तिलक तंत्र का सफल परीक्षण हुआ, वैसे ही सूर्य की किरण भगवान राम के मस्तक पर आए और सभी यह नज़ारा देखकर सभी भाव विभोर हो गए। लेकिन कहते हैं, जहां राम जी की चर्चा होती है वह हमारे प्यारे हनुमान जी जरूर होते हैं। ऐसा ही चमत्कार अयोध्या में भी राम नवमी के दिन देखने को मिला। जब सभी 5 मिनट के इस दृश्य का आनंद उठा रहे थे तभी एक वानर अचानक से राम मंदिर के गर्भगृह में आ गया। कुछ लोगों ने उसे वहां से हटाना चाहा, लेकिन मंदिर के पंडितों ने उन्हें रोक दिया। वे समझ चुके थे कि यह राम लल्ला की ही लीला है और चमत्कार कुछ ऐसा हो रहा था कि एक के बाद एक ही 3 बंदर रामलीला के गर्भगृह में आ गए और उस सूर्य अभिषेक को निहारने लगे। जब 12:06 पर सूर्य अभिषेक पूर्ण हुआ, तब वे बंदर बिना किसी को नुकसान पहुंचाया जाए रोड मंडप से होते हुए दक्षिण दिशा की ओर मंदिर के बाहर चले जाएंगे। सभी लोगों ने उन्हें साक्षात प्रणाम किया गया, क्योंकि सभी का कहना था कि हनुमान जी महाराज आज स्वयं राम लल्ला का सूर्य अभिषेक देखने आए थे। इस महत्वपूर्ण घटना के बाद बारी थी रामलला को वस्त्र पहनने का। तब एक और बड़ा चमत्कार देखने को मिला, क्योंकि वस्त्र बनाने वाले ने रामनवमी के लिए खास 3 वस्त्र
बनाए थे और सभी कार्यकर्ता बड़े कंफ्यूज थे। आखिर रामलला को रामनवमी के दिन कौन से वस्त्र पहनाया जाएगा, क्योंकि तीनों ही वस्त्र अपने अपने जगह पर सुंदर और शानदार थे। तब एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने सलाह दी कि इन तीनों वस्त्रों को दोपहर के समय रामलला के सामने रख दिया जाए और कुछ देर में जो वस्त्र रामलला की ओर बढ़े हुए दिखेंगे हम वहीं उन्हें पहनाएंगे। तब सभी लोगों ने उन तीनों वस्त्रों को गर्भगृह में रामलला के सामने रख दिया। 5 मिनट बाद एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। उन तीनों में से एक ही वस्त्र रामलला के चरण में पाए गए। लेकिन ऐसा कैसे हुआ था, तो इस घटना की सच्चाई जानने के लिए सीसीटीवी फुटेज देखी गई, जिसमें यह पाया कि एक बंदर चमत्कारिक रूप से रामलला के गर्भगृह में आया और उसने उन तीनों में से एक वस्त्र उठाकर रामलला के चरणों में रख दिया। सीसीटीवी में यह नज़ारा देखकर सभी भक्तों के होश उड़ गए और सभी जय श्री राम का जयकारा लगाने लगे। ऐसा कह रहे थे कि यह राम लल्ला का ही हनुमान जी के रूप में एक संकेत था। श्री राम मंदिर के निर्माण से अयोध्या में विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है। सिर्फ एक माह में ही यहां 62 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हैं। इन श्रद्धालुओं के पहुंचने से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, ठेले से लेकर फूलमाला, पूजा सामग्री की बिक्री में तेजी आई है। स्थानीय स्तर से लेकर बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। इससे आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार का दावा किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको भी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। करें रोजाना ऐसी चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। करें अभी।